नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाउन इंस्पेक्टर कैसे बने। टाउन इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। उनकी क्वालिफिकेशन से लेकर एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या योग्यताएं होनी चाहिए और उनकी सैलरी कितनी होती है और भी बहुत सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों, TI क्या है? टाउन इंस्पेक्टर ये कौन होते हैं? TI वे होते हैं जो अपने टाउन में हो रहे गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। TI का एक तरह का नगर निरीक्षक होते हैं जो नगर में कानून सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने का काम TI करते हैं। TI पुलिस कर्मचारी होते हैं। ये पुलिस फोर्स में एक पद होता है जो अपने टाउन में अच्छे काम करके हासिल किया जा सकता है। TI प्रमोशन के द्वारा नहीं बनते, कुछ परिस्थितियों में ही पुलिस इंस्पेक्टर को TI बोला जाता है। किसी छोटे टाउन में 3-4 पुलिस स्टेशन है, उन पुलिस स्टेशन में एक ही पुलिस इंस्पेक्टर होता है जिसे TI बोला जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं TI बने कैसे। TI बनने के लिए उम्मीदवार को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि दोस्तों इस प्रकार है। TI बनने के लिए कैंडिडेट को कई बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि पहले कैंडिडेट को 12th पास होना जरूरी है, वो भी अच्छे मार्क्सों से। उसकी उम्र, लंबाई, मेडिकल सर्टिफिकेट भी देखा जाता है। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 से लेकर 27 होनी चाहिए। कैंडिडेट की लंबाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है दोस्तों। यदि कैंडिडेट महिला है तो महिला की लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए एवं महिला का सीना निर्धारित नहीं किया गया है। वहीं पुरुष की लंबाई 172 सेंटीमीटर और सीना उनका 81 सेंटीमीटर रखा गया है। TI बनने के लिए OBC के वर्ग के लोगों के लिए 3 साल की छूट, वहीं SC ST के लोगों के लिए 5 साल की छूट दी गई है। जब TI के फॉर्म निकलते हैं तो कैंडिडेट को उसके फॉर्म भरना होगा या उसके लिए आवेदन करना होगा। फॉर्म भरने के बाद कैंडिडेट को लिखित परीक्षा की तैयारी करनी है। यदि कैंडिडेट लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उसके बाद कैंडिडेट को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। कैंडिडेट को 4.5 किलोमीटर की दौड़ उनको 27 मिनट में पूरी करनी होगी। फिजिकल स्टेज पास करने के बाद कैंडिडेट को अपनी सभी डॉक्यूमेंट को जमा करना है एवं उसके बाद उसको वेरीफाई करवाना होगा। अंतिम स्टेज पर कैंडिडेट का मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें कैंडिडेट के शरीर अंगों की जांच होगी। मेडिकल के पास होने के बाद कैंडिडेट को TI बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं टाउन इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन, आपके पास क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। टाउन इंस्पेक्टर बनने के लिए कैंडिडेट का 12th पास होना जरूरी है, ग्रेजुएशन भी पास करना होता है एवं कुछ एग्जाम भी देने होते हैं, जैसे कि रिटन, फिजिकल एंड मेडिकल एग्जाम, जिन्हें पास करके कैंडिडेट TI बन सकते हैं। लिखित परीक्षा में उम्मीदवार को जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एवं मेंटल एबिलिटी, IQ, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड की तैयारी करनी होगी। टाउन इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है ये भी जानते हैं दोस्तों। TI बनने के लिए कैंडिडेट का फिजिकल एग्जाम होगा, जो सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग है। वहीं पुरुष और महिलाओं के लिए भी अलग अलग फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो दोस्तों, पहले हम सामान्य वर्ग के लोगों के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स जानते हैं। TI बनने के लिए पुरुष की छाती बिना फुलाए कम से कम 83 होनी चाहिए, 83 सेंटीमीटर, और फूलने के बाद कम से कम उनकी 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए। TI बनने के लिए पुरुष की लंबाई या कद 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। TI बनने के लिए महिला की लंबाई का कद 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। TI बनने के लिए पुरुष वर्ग को 5 किलोमीटर की दौड़ या रनिंग करनी होगी, जिसे उस कैंडिडेट को 25 मिनट में पूरा करना है। वहीं TI बनने के लिए महिला को 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। तो दोस्तों, हम आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए जानते हैं। TI बनने के लिए आरक्षित वर्ग के पुरुष की छाती बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फूलने के बाद मिनिमम 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। TI बनने के लिए पुरुष कैंडिडेट की लंबाई या हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। TI बनने के लिए फीमेल कैंडिडेट की लंबाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं TI के कार्य क्या होते हैं। टाउन इंस्पेक्टर का कार्य अपने नगर में कानून व्यवस्था बनाए रखना। TI को समय समय पर क्षेत्र का दौरा करना होता है, थाने के सभी कागजी कार्यों को चेक करना, कोई गलत है तो ही नहीं ये भी देखना है। TI अपने पद के नीचे काम करने वाले कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के कार्य को भी देखते हैं। TI अपने टाउन में हो रही सभी गतिविधियों का ध्यान रखते हैं, जैसे कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं TI इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। टाउन इंस्पेक्टर की सैलरी दोस्तों 9,300 रुपीज से लेकर 34,000 तक होती है। TI पुलिस इंस्पेक्टर ही होते हैं एक तरह के। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी इस वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में मिल गया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।